नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल कर्मी में। वर्तमान में DLIS BLIS के लिए जो प्रैक्टिकल पेपर के रोलेशन और डिफॉल्टर फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो रिजल्ट अपडेट हुआ था। सारी डिटेल्स जानकारी आपको पहले से मिल चुकी है। और बीच में जो ऐसे स्टूडेंट थे जो पहले पास थे फिर फेल हो गए, जो पहले पास थे और फिर फेल हो गए, अब वो ज़्यादातर विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं कि हम रिवोल्यूशन भरें या डिफॉल्टर फॉर्म भरें। अब ये चीज़ कॉमन सेंस सामान्य समझने वाली है कि आपके पहले नंबर बढ़े हुए थे और फिर आपको नंबर घटा दिए। अब आप दोबारा यदि रिवोल्यूशन फॉर्म भरोगे तो आपको विश्वास है कि दोबारा नंबर बढ़ जाएंगे? एक बार थोड़ा आप गौर करके एक अपने मस्तिष्क में डाल के देखना कि पहले आप पास थे, पहले आपके नंबर अधिक थे, दोबारा आपके अपडेट करके नंबर कम कर दिए गए, अब रिवोल्यूशन से कैसे नंबर बढ़ेंगे? ये एक तार्किक या समझने वाली बात नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको डिफॉल्ट फॉर्म भरना, अगली परीक्षा में आप बैठ सकते हो। एक ये बात। दूसरी ये कि जब रिजल्ट आया था 25 सितंबर को, तो उसमें डेट आई थी कि 25 अक्टूबर से जो प्रैक्टिकल पेपर की जो परीक्षा है वो शुरू हो जाएगी, जो डेलीस बिलीस के प्रैक्टिकल पेपर हैं। लेकिन वो रिजल्ट अपडेट होने की वजह से यही जो डेट है 25 की बजाय 21 डेट जो डिफॉल्टर और रिवोल्यूशन की बढ़ गई है। अब 21 की बात तो टाइम भी नहीं बचता है कि इनको सेंटर अलॉट करने होते हैं या इस तरीके से। तो हालांकि फिलहाल कोई नया नोटिफिकेशन आया नहीं, तो उम्मीद ये एक दिवाली के बाद परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। यूनिवर्सिटी कराएगी ये, आपका जो नवंबर है और जो दिसंबर है ये दो महीने एग्जाम आपको चलेंगे। आपको ज़्यादातर को पता ही है जो प्रैक्टिकल के नॉलेज रखते हैं और सारी अपडेट रखते हैं, तो ये डिलीस बिलीस पेपर जैसे आप देखते हैं ग्रुप में होते हैं, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप। जैसे आप देखेंगे पुराणों में जो पेपर किसी में 2-6 और वर्तमान में 2020 के बाद लगभग 20-25 ग्रुप चलते हैं। तो 20-25 का मतलब एक पेपर की बात, एक पेपर की जो परीक्षा है 20-25 दिन तो चलेगी और चार तो छुट्टियां हो जाती है, मतलब रविवार। तो इसमें मिला के कुल मिला के एक पेपर की जो परीक्षा है लगभग एक महीना चलेगी, यानी कि पहले पेपर की परीक्षा नवंबर में और दूसरे पेपर की जो परीक्षा है वो दिसंबर में हो जाएगी। रफली आइडिया है। और रही बात तैयारी करने की, वो तो कोई करता नहीं है, पूछना है बस, ये है। ये सिस्टम हमारा चलता रहता है। फिर हम कह रिवोल्यूशन कब भरे, डिफॉल्ट कब भरे, अब आपने क्या लिखा है, ये RTI आपको सरकार देती है एक कानून के, आप अपना RTI लगाओ, आपकी खुद की कॉपी देखो आपने क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था। अब लोग ज़्यादातर पूछे कि RTI लगाने से नंबर बढ़ जाएंगे, तो ये अतार्किक सब। RTI हमें नंबर बढ़ाने के लिए नहीं लगानी। RTI का मतलब आपने ये कॉपी ली उसमें आपको ये पहले तो ये पता करना आपने लिखा क्या, एक खुद का आत्म विश्लेषण करना है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी उसमें कुछ लापरवाही भी हो सकती है, कॉपी जांची हुई नंबर नहीं दी हो, तो फिर वो उस कॉपी को जैसे मीडिया में लाएंगे, जैसे अभी आप वहाँ जाकर लाए थे। तो RTI लगाना जरूरी है, खर्चा 10 रुपये का है और डिफॉल्टर और रिवोल्यूशन में 500-600 रुपये आप आराम से दिल खोल के दे रहे हो, लेकिन जो RTI है वो 10 रुपये की, उसमें आपको बहुत बड़ा जोर पड़ रहा है। हालांकि होना कुछ भी नहीं, आप जो डरती हो कुछ नहीं है, सूचना का देगा, सूचना किसी से मौखिक भी पूछ सकते हैं, तो एक तरीके से वही है, लेकिन ये एक रिकॉर्ड ले रहता तो अब RTI लगाएं हर बार आपको। अब जब शुरुआत कर दी तो आगे से आपको RTI भी लगानी चाहिए। तो ये कुछ कन्फ्यूजन थे जिसको लेकर मैंने वीडियो बनाई। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना। जैसे मैं इस तरह का बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।